OK。Good morning to all of you. Take your seat. Last class में क्या सीख रहे थे हम लोग? Numerical. और numerical में आपको पता होगा कि हम लोग बातचीत नहीं हम लोग सीखे थे ध्यान दीजिए ये Q1 चार्ज है यहाँ Q2 चार्ज है और यहाँ मिडल पॉइंट पर कोई Q3 चार्ज रखे थे तो Q3 पर नेट फोर्स निकाले थे किसके किसके कारण से Q1 और Q2 के कारण से तो कैसे निकला था नेट फोर्स Q1 के द्वारा और Q2 के द्वारा दोनों के द्वारा या तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था F1 और F2 या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था ठीक है इधर F1 इधर F2 या इधर F1 तो इधर F2 अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था तब नेट फोर्स निकाले थे इसमें नेट फोर्स निकाले थे F1 प्लस F2 इसमें नेट फोर्स निकाले थे F1 यदि बराबर हुआ था तो F1 में घटाए थे F2 को और F2 बराबर हुआ था F1 में घटाए थे लेकिन दोनों ही स्थितियों में एंगल भी चर्चा किए थे बताओ F1 और F2 के बीच का एंगल कितना था दो आंसर आपके तरफ से आया 0 डिग्री और 180 डिग्री अब जिनको 0 और 180 में फर्क नहीं नजर आता है या निर्णय नहीं ले पाते हैं कि 0 होगा कि 180 उसके लिए गिफ्ट दे रहे हैं जी सर गिफ्ट क्या गिफ्ट है देखा ये दोनों पेन दे देंगे तो गिफ्ट हो जाएगा नहीं देने नहीं जा रहे हैं तब देखो फिजिक्स के क्लास में बोलो ये क्या वेक्टर सही बोला ये स्टेशनरी की दुकान में क्या है पेन है लेकिन फिजिक्स के क्लास में ये दिखाएंगे ये वेक्टर है क्यों वेक्टर को हम लोग सूचित करते हैं किसी एरो के द्वारा तो क्या ये तुमको एरो से कम नजर आ रहा है क्या नहीं और अब एरो के द्वारा सूचित इसलिए करते हैं कि वेक्टर के पास परिमाण और दिशा दो चीज होती है यहाँ परिमाण तीर की लंबाई बदलाता है और डायरेक्शन या दिशा ये तीर का एरो हेड बदलाता है और जानो ये कहलाता है क्या पूंछ और ये कहलाता है हेड अब है कि दो वेक्टर ठीक है दो वेक्टर एक वेक्टर ये ले लेते हैं दूसरा वेक्टर बी ले लेते हैं तो दोनों के बीच का एंगल कैसे ज्ञात करेंगे मान लो इस तरह से नहीं बल्कि बी हम ऐसे ले लें तो दोनों के बीच का एंगल कैसे ज्ञात करेंगे एंगल निकालने का दो तरीका या टेल टेल मिला दो या हेड हेड मिला दो लेकिन शर्त है कंडीशन है कि उसके डायरेक्शन और परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए बता रहे ये क्या हो गया वेक्टर ये हो गया और यहाँ इसको उठा करके यहाँ लाएंगे तभी तो क्या होगा इसके टेल टेल मिलेगा टेल टेल मिलाने के लिए उसको उठा करके यहाँ लाना पड़ेगा और लाने के क्रम में ध्यान में रखना है उसके डायरेक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट आपके वेक्टर कहलाता है परिमाण और दिशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए आप बताओ
ये तो उठा कर ला दिए यहाँ तेल के मिलाने के लिए, कहिएगा सर ये डेट नहीं मिलाइएगा, मिला सकते हैं इसको यहाँ लेकर जाकर रख देंगे, नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ ऐसे लाए और इस तरह से ये क्या हो गया, बी हो गया और ये क्या हो गया, ये अब बताओ तुम कि ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये और बी के बीच में ये भी एंगल है और ये भी एंगल है, तो बताओ स्मॉलर एंगल कौन सा है, अल्फा है कि बीटा है? अल्फा। यहाँ अल्फा है कि बीटा है? यहाँ भी अल्फा है, यही अल्फा क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, यानी टेल टेल मिला रहे, हेड हेड मिला रहे, उस स्थिति में जो स्मॉलर एंगल होगा वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होगा, क्लियर। अब कि यदि मिला हुआ नहीं है तो डिस्प्लेस करके मिलाते हैं, तो यहाँ तुमको F1 और F2 दोनों क्या है, ये वेक्टर ही है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होती है, तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है और टेल टेल भी क्या है, मिला हुआ है, तो बताओ टेल टेल मिला हुआ, यहाँ मिला हुआ है, यहाँ देखो मिला हुआ है, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर, वेक्टर ये गुलाबी वेक्टर, ये पीला वेक्टर, तो दोनों वेक्टर की बात करते हैं, दोनों वेक्टर के बीच का कोण कितना, 90। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घटते 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 देखना, घटते 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 कितना हो गया, जीरो। और देखो अब क्या हो रहा है, यहाँ देखना बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ते 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 कितना, यहाँ 99, यहाँ क्या हुआ 180। अब समझ में आया कि यहाँ F1 और F2 के बीच का एंगल कितना होगा, 180 की जीरो जीरो, यहाँ 180। अब आप लोग अपने आप को पॉजिटिव कर लीजिए, कहिएगा तो सर हम भी तो वही बोले थे जीरो और 180, जीरो बोले थे ऊपर के लिए, 180 बोले थे नीचे के लिए, चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग सीखे कि यहाँ थीटा का मान जीरो, यहाँ थीटा का मान 180, और ये दोनों स्थिति में न्यूमेरिकल हम लोग बना चुके हैं, क्या एंगल यही दोनों रह सकता है, चेंज नहीं हो सकता है क्या, चेंज हो सकता है, तो चेंज कुछ भी एंगल चेंज करके दिया जा सकता है, लेकिन हम लेंगे 60 डिग्री। अभी क्या था, तीन चार्ज था, पहले लीनियर पाथ पर था, यार कहिए कि स्ट्रेट लाइन पर तीनों चार्ज था, तब रिजल्टेंट निकालना सीखे थे, अब क्या होगा, तीनों स्ट्रेट पाथ पर नहीं रहेगा, ठीक है, और उस स्थिति में हमको बताइए कि कैसे रखें कि F1 और F2 के बीच का कोण 60 डिग्री हो, अपना कोई दिमाग लगाइए और 60 डिग्री बताइए कैसे होगा, सोचने की क्षमता डेवलप कीजिए, डेट दे करके संभाव त्रिभुज, बहुत अच्छा ऑप्शन दिए हैं, लेकिन आप डेट लिखे क्या, डेट नहीं लिखेंगे तो कुछ नहीं है, और ये 29th क्लास है, चलिए तो आपका दोस्त क्या बताया, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल लीजिए सर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल लेकर के क्या करना है, चार्ज को उस पर उसके वर्टेक्स पर रखना है, उसके शीर्ष पर रखना है, बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल में जरा आया, यहाँ यदि हम Q1 रखें, यहाँ Q2 रखें, तो यहाँ क्या होगा, Q3 रखना होगा, ध्यान देना पहले समझो, फिर लिखो, बताओ कि इस Q3 चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स चाहिए हमको, तो पहले क्या बताए थे हम,
कि F1 और F2 के बीच का कोण कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए, ऐसा केस तुम बताओ। तो बताया गया, लेकिन ये 60 डिग्री F1 और F2 के बीच का कोण होगा कैसे, किसी को समझ में आता है? F1 और F2 के बीच का कोण 60 डिग्री होगा, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं? कर सकते हैं, समझे? कैसे कहिएगा सर, ये प्लस चार्ज ले लीजिए, ये भी प्लस लीजिए और ये भी प्लस लीजिए, क्या लीजिए? ये भी प्लस Q3 चार्ज लीजिए। बताओ Q1 के द्वारा Q3 पर बल लगेगा, एट्रैक्टिव की रिपल्सिव फोर्स, उसको लोग बोलते हैं विकर्षण बल। बताओ F1 लिख दें इसका, फिर Q2 के द्वारा Q3 पर रिपल्सिव फोर्स लगेगा, विकर्षण बल लगेगा, सही है? अब विकर्षण बल लगेगा, चलो ये विकर्षण बल हो गया कितना, ठीक है? अब इन दोनों के बीच का एंगल बोलो कितना, कहिएगा सर समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 डिग्री होता है, ये भी निश्चित रूप से 60 डिग्री होगा। और F1 और F2 के बीच का कोण कौन सा है? ये वाला, क्यों? क्योंकि दोनों का टेल यहाँ मिला हुआ है, टेल टेल मिला रहता है, तो जो स्मॉलर एंगल होता है वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स होता है। तो एंगल तो पीछे में भी इतना बड़ा बन सकता है, नहीं बन सकता है, लेकिन ये स्मॉलर नहीं है। तो स्मॉलर एंगल कौन सा है? ये वाला, और यही होगा F1 F2 के बीच का कोण। तो सम्मुख कोण समान होता है, यहाँ थीटा का मान तुम क्या लोगे? 60 डिग्री। समझ में कुछ आया क्या? आया, तो यही केस है। और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। देखो कैसे कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं। पहला केस लिखते हैं, केस फर्स्ट लेते हैं, एमटी वही है, एमटी है ये, एमटी मॉडर्न टेक्निक फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल। और इसमें केस फर्स्ट लिए हुए हैं, क्या केस फर्स्ट लिए? केस फर्स्ट इसलिए लिए कि इसमें तीन केस हो सकता है, F1 F2 दोनों इक्वल हो सकता है, F1 बड़ा हो सकता है F2 से, या फिर F2 बड़ा हो सकता है F1 से, तीन केस होगा कि नहीं? चलो हम क्या करते हैं, पहला केस F1 इज ग्रेटर देन F2 लेते हैं। F1 कब बड़ा होगा? जब Q1 बड़ा होगा, नहीं, Q1 क्या होगा? बड़ा होगा। हम शुरू से लिखते हैं और देखिए, आपको केवल पहले समझना है, और दिमाग जब काम करने लगे तब दिमाग का यूज करना है, यानी कि दिमाग काम कर ही नहीं रहा है, इसका यूज कर रहे हैं। चलो हम केस फर्स्ट की बात करेंगे कि इफ Q1 इज ग्रेटर देन क्यू देन क्या होगा, F1 ग्रेटर होगा किससे? F2 से, नहीं? अब ऐसा हुआ तो रिजल्टेंट कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखना है। सुनो, यहाँ F1 बड़ा है तो ये तीर ज्यादा बड़ा होगा कि कम बड़ा होगा? अधिक नहीं होगा, अधिक बड़ा होगा। ये जो तीर लिए हैं ये क्या होना चाहिए? उससे छोटा होना चाहिए, होगा ना? छोटा होना चाहिए, तो हम छोटा ही बनाते हैं ऐसा, ठीक है? ये क्या हो गया तुम्हारा F2। अब बोलो कि इसको कैसे निकालेंगे, कैसे बनाएंगे हम? तो नाम सुना है पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन। क्या बताए थे कि दो वेक्टर्स अपोजिट ऑर्डर के दो वेक्टर्स को किसी समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं के द्वारा सूचित किया जाए,
तो उनका परिणाम उस विकर्ण के द्वारा सूचित होता है या उस विकर्ण के द्वारा सूचित किया जाता है जो कि आसन भुजा के कटान बिंदु से प्रारंभ होती है। यही था तो बता इसको F1 माना F2 माना तो पैरेललोग्राम तैयार करना होगा कि नहीं। पैरेललोग्राम तैयार किए ठीक ना। अब रिजल्टेंट बताओ कहिएगा सर यही रिजल्टेंट होगा होगा कि नहीं। ये क्या होगा रिजल्टेंट होगा आर या वेक्टर या और रिजल्टेंट F1 के साथ कितना बड़ा एंगल बनाएगा अल्फा और यही डायरेक्शन बताएगा कि इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है। तो F1 से अल्फा कोण बना करके अब समझ में आ गया हमको फिगर से तो स्पष्ट हो गया कि इस डायरेक्शन में है लेकिन हमको निकालना है परिमाण अर्थात इस F का वेक्टर F का क्या वेक्टर F जो है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब इस तीर की लंबाई ज्ञात करना है और साथ ही साथ अल्फा ज्ञात करना है। तो बताओ उसको ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए हमको तो चाहिए क्या कि ध्यान F1 इज ग्रेटर देन F2 इसलिए बताओ F बराबर क्या लिखें मैग्नीट्यूड की बात करते हैं नहीं या ठीक है ना। ये देखिए F1 में F2 घटा लोगे ऐसा नहीं करना ऐसा होगा क्या हैं नहीं होगा। चलो तो क्या करेंगे हम ये F बराबर तुम F1 प्लस F2 वेक्टर के रूप में लिख सकते हो लेकिन मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड में मॉड ऑफ वेक्टर F लो या फिर मॉड ऑफ F1 प्लस F2 ले लो और ये देखो रूट अंडर बोलो मॉड ऑफ F1 का स्क्वायर मॉड ऑफ F2 का स्क्वायर प्लस y मॉड ऑफ F1 F2 का क्या होगा थीटा थीटा की जगह अल्फा कैसे हो गया ये कौन और ये अपसु के बीच का कौन क्या है थीटा ना। तो बताओ ये मॉड ऑफ ये कौन के बदले सिर्फ ये लिखते हैं चलो और ये भी इज इक्वल टू रूट अंडर ये लंबा चौड़ा नहीं लिख करके हम ये कौन स्क्वायर ये टू स्क्वायर ट्वाइस F1, F2, cos कितना डिग्री 60 डिग्री cos 60 का मान क्या है डिग्री है तो क्या हो गया तुम्हारा देखो F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर और F प्लस 2 इंटू F1 F2 हाफ हो जाएगा कट जाएगा क्या हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 बताओ F1 F2 ध्यान दो F1 F2 तुम्हारे लिए निकालना आसान है कि कठिन है आसान है क्योंकि एक ही उसमें लॉ लागू होता है कूलम्स लॉ नहीं इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल F जान रहे हो क्या F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका F1 इज इक्वल टू 9 इनटू 10 टू द पावर 9 Q1, Q3 by R square दिया R दिया रहेगा ना भुजा दी रहे दिया हुआ रहेगा क्या लिखेंगे R square फिर F2 की भी चर्चा करो F2 भी 9 into 10 to the power 9 Q1 के Q2 ना Q2, Q3 divided by R square बताओ ये दोनों का मान तुमको अलग से दो चार निकल जाएगा इसमें दो चार रखेंगे तो नहीं आ जाएगा आपका समझवाइए मेरी बात यही है एमटी यही कांसेप्ट है इस पर सवाल आपको दे देगा Q1 Q2 Q3 का वैल्यू केवल देगा R का मान दे देगा तो सवाल बनेगा नहीं चलिए नोट कीजिए अलग से है आपका इसको भी लिख सकते हैं इस पर कांसेप्ट को समझिए कैसे बनाना सवाल एक और जगह है हमको
also direction भी चाहिए ना, also क्या चाहिए direction of किसका, रिजल्टेंट का ना, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एफ क्या हो जाएगा तो बताओ, साइन अल्फा इक्वल टू याद है मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ यहाँ क्या होगा एफ टू, मॉड ऑफ बी साइन थीटा, थीटा यहाँ क्या होगा 60 नहीं डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एफ वन प्लस एफ टू होगा कि नहीं, दिस इज इक्वल टू बोलो एफ टू ले लिए कॉस साइन 60 कितना होता है रूट थ्री बाय टू होल डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ एफ वन प्लस एफ टू को दिया अपने लेते हैं रिजल्टेंट देना देखो मॉड ऑफ कितना तो क्या लिखे ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू हाउ मच बताओ क्या लिखेंगे रूट थ्री बाय टू इन टू एफ टू बाई एफ वन वैल्यू दिया है एफ टू बाई एफ तो बताओ एफ बराबर क्या होगा साइन इनवर्स रूट थ्री बाय टू इन टू है ये रूट थ्री बाय टू इन टू एफ टू बाय एफ फॉर्मूला ये याद नहीं करना ये नहीं करते निकाल दिया फॉर्मूला याद कर लो तब प्रोसेस सीख लो कैसे निकालना नोट कीजिए डायरेक्शन भी निकाल दिया
आइए कि सेकेंड लाइन तो क्या फर्क पड़ेगा ये गौर कीजिए, केवल डर मिटाने के लिए ये केस फर्स्ट के सेकेंड ले रहे हैं, भयभीत नहीं होइए। ये क्यू वन इस बार क्या होगा, लेस देन कर सकते हैं या क्यू टू ग्रेटर देन क्यू वन। क्यू टू जब बड़ा होगा तो कौन बड़ा हो जाएगा इस बार, F2 बड़ा होगा किससे, F1 से। लेकिन रिजल्टेंट निकालेंगे वेक्टर के रूप में तो यही हो जाएगा, रिजल्टेंट में केवल वेक्टर ऐड हो जाता है, वेक्टर ऑफ F1 और F2 मॉड निकालेंगे वही चीज आएगा, कलर आ जाएगा सेम वही होगा, अल्फा का मान भी वही होगा लेकिन वैल्यू चेंज होगा। और चित्र यदि तुम चित्र के साथ समझना चाहते हो, न्यूमेरिकल में चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, केवल समझना है, लेकिन चित्र के साथ समझना चाहते हो तो कैसा चित्र बन जाएगा इस बार, फिगर इसलिए दे रहे हैं कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो न्यूमेरिकल के लिए। बताओ इस बार F2 बड़ा होगा तो ये तीर बड़ा हो जाएगा, सही है गलत, सही है, सही है। लेकिन ये क्या होगा इस बार, छोटा हो जाएगा, ये क्या है F1 है, ये क्या है F2 है, वेक्टर का चिन्ह देना पड़ेगा आपको। और अब पैरेललोग्राम ला वेक्टर एडिशन, तो पैरेललोग्राम ला वेक्टर एडिशन से क्या करोगे तुम, ऐसे पैरेललोग्राम बनाओगे, उसके बाद क्या होगा, ठीक है ना, पैरेललोग्राम बना लिए, उसके बाद क्या होगा, मैं डायगोनल बनाएंगे नहीं, उसके बाद आपका ये इसी के पैरेलल कितना है ध्यान में रखना, पैरेलल नहीं होगा तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम हो गया। अब ये आसन्न भुजा के कटान बिंदु से प्रारंभ होने वाला क्या हो जाएगा, ये हाँ विकर्ण हो जाएगा, यही विकर्ण क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा या बताएगा, और इस बार यह एंगल भी अल्फा होगा कि अल्फा इस बार थोड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया, सही है ना पहले से, तो सब फॉर्मूला वही होगा लेकिन अल्फा का मान जब निकालने लगेंगे तो पहले 30 डिग्री था तब 45 डिग्री हो जाएगा, यही होगा ठीक, तो केवल समझना है और कुछ करना इसमें नहीं है। आप लिखिए के सेकंड लिख करके यहां तक जरूर आइए, कहां पर इसके बाद डायरेक्ट आ जाइए यहाँ, क्या दिक्कत, एक एस लिख करके ये लिखेंगे उसके बाद ये लिखेंगे उसके बाद ये लिखेंगे, यहाँ के बाद यहाँ आ सकता है ना, जैसा करो तुम्हारे ऊपर है, फिगर क्या फिगर तो बनाने पड़ेगा, तेरे को मतलब क्लियर होगा, सब चीज वही रहेगा, सब चीज वही, केवल आपको देना है ऐसा केस, ये दे दीजिए आप यहाँ लिख करके यहाँ डायरेक्ट आ जाइए, ऑल्सो लिखिए और फिर ऑल्सो लिख करके साइन अल्फा बराबर लिखिए, आप इतना लिख सकते हैं और डायरेक्ट अल्फा पर चले जाइए, चूंकि सब आपके पास कैलकुलेट किया हुआ है, अल्फा बराबर साइन इनवर्स बोलिए √3/2 F2/F, यही होगा, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, केवल बता दिए कैसा होगा। और लास्ट केस तीसरा होगा मेरा कि जब दोनों क्या होगा इक्वल होगा, Q1 और Q2 सेम होगा, तब क्या होगा, हाँ क्योंकि इसके बाद तो आप जानते हैं, तो फिर नहीं रीराइट करते तो वो समय लगता है, आप समझ रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत है, यहां डायरेक्ट आ गए हैं, कैसे आ रहा है समझ में, आप पहले आ चुका है टॉपिक भरने से पहले, आपने
कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि आपको डरना नहीं है डिफरेंट डिफरेंट केसेस से, कॉन्सेप्ट ही जब डेवलप हो जाएगा तो फिर सवाल अपने से बनेगा, बैठोगे सिर दर्द नहीं करेगा, बनेगा। कॉपी कीजिए आल्सो डायरेक्शन ऑफ यर, उधर वाला या कौन या फिर छोड़ दीजिएगा इस बार। समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं, समय भी नहीं है आपके पास। इक्वेशन ये केस थर्ड लेते हैं क्या, बोलिए देन बोलो वहाँ फॉर्मूला में पुट करो, फॉर्मूला में क्यू वन क्यू टू यहाँ भी है, क्यू वन क्यू टू यहाँ भी, नीचे भी आर स्क्वायर, नीचे भी आर स्क्वायर, क्या होगा एफ वन इज इक्वल टू एफ टू, सही है। आप बताओ इसलिए यह वेक्टर एफ तो वेक्टर एफ वन और एफ टू के बराबर होगा, ठीक। तो इसलिए मॉड ऑफ एफ लिखोगे क्या लिखोगे, मॉड ऑफ एफ वन प्लस वेक्टर एफ टू, रिजल्टेंट की बात करेंगे तो बोलो यहाँ डायरेक्ट आ सकते हैं क्या, यहाँ क्या होगा, हाँ यहाँ और डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ इक्वल टू एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस एफ वन एफ टू, और दिस इज इक्वल टू बोलो एफ वन का स्क्वायर तो लिखेंगे ही, एफ टू भी लिखेंगे एफ वन ही, क्यों दोनों इक्वल है, एफ वन इंटू एफ वन, बताओ यहाँ क्या लिख दें, चूंकि F1 is equal to F2 है तो बोलो आप क्या लिखेंगे, this is equal to how much 3 F1 square लिख दें, F1 into F1 F1 square नहीं होगा, 1 2 3 नहीं समझ में आता, ए कहाँ पे आया, हाँ सर हो जाएगा, तेरा यहाँ है ही नहीं कोई, क्या हो जाएगा ये रूट अंडर 3f1 स्क्वायर f1 निकल जाएगा, रूट 3f1 ये क्या निकल गया f, और बोलो ए बाबू आल्सो सिमिलरली क्यों लिखेंगे, आल्सो डायरेक्शन ऑफ f बोलो साइन अल्फा बराबर ये फॉर्मूला होगा, लेकिन तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए एफ टू, तो ये उसको लिख सकते हैं एफ वन साइन रूट थ्री बाय टू, और नीचे में इसका कितना है रूट थ्री वन, बोलो एफ वन कैंसिल तो क्या बचेगा, साइन अल्फा इक्वल टू बातचीत कर जारी है आप लोगों का, हाफ होता है 30 डिग्री, तो दोनों इक्वल होगा तो 30 डिग्री होगा, सही बात है, क्यों 30 डिग्री होगा कोई बताओ, हाँ बराबर भाग और बराबर भाग में बटेगा, इसलिए अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री, बीचो बीच हो जाएगा, ध्यान दो जो थर्ड केस जिनके दिमाग में है बहुत पीछे पीछे में गप करता है, पीछे वाला स्टूडेंट गप मत करो, ये क्या है एफ वन, ये क्या F2, दोनों क्या है इस बार इक्वल, तो बताओ फिर ले लो ग्राम बनाएंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, बीचो बीच जाएगा कि नहीं है, ऐसे होगा सही है, ये क्या है अब, तो जितना इधर है लंबा उतना ही इधर है, निश्चित रूप से ही बीचो बीच होगा, तो पूरा एंगल मेरा कितना था 60, तो क्या होगा ये 30 डिग्री, आप समझ में आता है कि अल्फा का मान कैसे निकलते हैं, अल्फा का क्या मतलब होता है, डायरेक्शन मतलब था ये फोन से कितने डिग्री पर रिजल्टेंट है 3 डिग्री पर, क्लियर, चलो नोट कर लो। अब सवाल कोई भी बना बनेगा, फास्ट करो तो इसमें और कैसे इस तरह बताएंगे,
आपके दिन मजे करते हैं इसका सन बाद में क्लास में डिस्कशन हमसे बाहर में आपस में एक न्यूमेरिकल लिखिए घर से बनाने के लिए चार कुलम दो कुलम और एक कुलम चार कुलम दो कुलम और एक कुलम के तीन आवेशों को के तीन आवेशों को एक ऐसे समबाहु त्रिभुज के एक ऐसे समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखा गया है शीर्ष मतलब वर्टेक्स शीर्षों पर रखा गया है जिनकी भुजा की लंबाई 30 जिनकी भुजा की लंबाई हेलो जिसकी जिनकी भुजा की लंबाई 3 मीटर है 3 मीटर है तो 1 कूलम आवेश पर वन कूलम आवेश पर लगने वाले नेट फोर्स का मान ज्ञात करें वन कूलम आवेश पर लगने वाले नेट फोर्स का मान ज्ञात करें निकल सकता है एक दो मिनट में निकल सकता है निकाल कर जाओ समय नहीं है जाओ हाँ अभी 10 मिनट ये प्रश्न बना कर आइए